दोस्तों स्वागत है एक नए फ्रेश संडे क्यू एंड ए कमेंट बॉक्स में। आज के इस संडे क्यू एंड ए कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं जो कि YouTube की तरफ से निकल कर आ रहा है। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उनको अभी शॉर्ट फंड नहीं मिला है। तो ये गुड न्यूज जरूर देखिएगा। इसी शॉर्ट्स का जो मेरा क्यू एंड ए है सेशन, इसी के अंदर वो कवर होगा, तो लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको वो गुड न्यूज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना संडे क्यू एंड ए कमेंट बॉक्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा है स्वैग अमित गेमिंग ने और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्योंकि मैंने एक पिक डाला था जो कि आप देख सकते हैं। इस पिक पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी में से कमेंट्स ये भी है, इन्होंने पूछा है सर आप किसकी शादी में गए थे या आपकी इंगेजमेंट थी, अगर थी तो सर आपने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, लव यू सर। तो भैया पहले लव यू टू ब्रदर आपको भी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर आपकी शादी है क्या, आपकी शादी हो चुकी है क्या, या शादी का पिक है क्या। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे तो मैं आपको बता दूं ना मेरी शादी अभी हुई है ना इंगेजमेंट हुआ है, कुछ भी मेरा नहीं हुआ है। मैं जो एक गया था शादी में, एक दोस्त की मेरी शादी थी उसी में गया था और वहीं का ये पिक है। तो बस यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और आप लोग काफी एक्साइटेड थे, अगर होगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि भैया होने वाली है, आ जाओ आप लोग। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्टो के नाइन ने, इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट्स वीडियो डिलीट करने से चैनल का रीच डाउन होता है क्या, अगर होता है तो कैसे ठीक होगा, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव यू सर। तो लव यू टू ब्रदर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई ऐसा शॉर्ट्स वीडियो है जो कि व्यूज आकर अब रुक चुका है, भले ही उसमें मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं, अगर वो रुक चुका है तो उसे डिलीट करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक एक करके डिलीट करिए, ऐसा नहीं है एक दिन में आपने 50 वीडियो डिलीट कर दिया, ऐसे करेंगे तो चैनल पर बैड इफेक्ट जाता है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो जिस पर व्यूज आकर रुक गए वो डिलीट करिए। अगर कोई किसी ऐसा कोई आपका शॉर्ट्स वीडियो है जो मिलियंस में जा चुका है और उस पर लगातार व्यूज आ रहे हैं, जैसे आपके 48 घंटे में 25,000 26,000 30,000 ऐसे व्यूज आ रहे हैं उस वीडियो से, तो अगर आप वो डिलीट करेंगे तो थोड़ा बहुत रीच का फर्क पड़ता है, रीच थोड़ा डाउन करता है। और सबसे बेस्ट यही रहेगा अगर आपको वीडियो डिलीट करना है, जैसे आपने सेलेक्ट किया है कि मुझे 20 वीडियो हटाना है अपने चैनल से, तो एक दिन में 20 वीडियो ना डिलीट करिए, 5-5 वीडियो करके 4 दिन में डिलीट करिए। और अगर बहुत जरूरी है भैया डिलीट करना ही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रीच का दिक्कत होता है। अगर रीच डाउन होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो बनाइए और काम करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप रीच सही हो जाती है, चैनल ग्रो हो जाता है। और यूट्यूब पर ये अप डाउन व्यूज का भी लगा रहता है, तो इसके लेकर आप कोई टेंशन मत रहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर मेरे व्यूज डाउन है इस समय। तो यार अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यहां पर एक टाइम पर अच्छे खासे आपके व्यूज आएंगे और एक टाइम पर आपके कम भी हो जाएंगे, तो बस काम करते रहिए रेगुलर आप, कम ज्यादा ये यूट्यूब का है, वो अपना समझेगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर फैक्ट्स टीवी ने, इन्होंने पूछा है अगर शॉर्ट्स वीडियो में व्यूज ना आए क्या उसे डिलीट करके फिर से वही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू सर। तो लव यू टू ब्रदर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, यानी आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, आपके 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके 10,000 के अंदर सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर व्यूज एक बार नहीं आ रहे हैं तो आप डिलीट करके फिर से रीअपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर है, आपने बहुत अच्छा कोई वीडियो बनाया, आपने देख रहे हैं कि 2-3 हज़ार व्यूज पर ही रुक गया है, तो फिर से उसे डिलीट करके आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे खासे एक बार व्यूज आ जाए तब डिलीट करके अपलोड मत करिएगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ध्रुव जाधव ने, इन्होंने पूछा है कि भाई अगर हम स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाते हैं और गलती से इंक्लूड पेड प्रमोशन लगाना भूल जाते हैं तो क्या हमें 10 लाख रुपए क्या हमसे 10 लाख रुपए लिया जाएगा, प्लीज रिप्लाई। तो जी हाँ, ये यूट्यूब का सिस्टम है कि हाँ अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक पनिशमेंट 10 लाख रुपए तक की लग सकती है, लेकिन अगर आप किसी में लगाना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रेगुलर अगर नहीं लगाते हैं तब प्रॉब्लम है, अगर एक वीडियो में 2 वीडियो में भूल गए, कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो बोलती है कि आपको नहीं लगाना है इंक्लूड पेड प्रमोशन, तो 1-2 वीडियो से कोई इशू नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपने अपने स्वेच्छा से वो वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आप लगातार प्रमोशन वीडियो कर रहे हैं, अगर नहीं लगा रहे हैं और यूट्यूब के पकड़ में आ गया, क्योंकि हर वीडियो में आप नहीं बोल सकते कि मैंने अपने खुशी से बनाया है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 1-2 में भूल गए तो कोई इशू नहीं आता है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, बहुत ही दमदार न्यूज है, सुनिएगा जरूर, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये पूछा है क्वेश्चन इग्लियो फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट्स मोनेटाइज होने के बाद शॉर्ट फंड के मुताबिक ज्यादा अर्निंग होगी, यानी इनका सीधा सा मतलब है कि जब शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे 2023 में तो भैया जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिनके व्यूज आ रहे हैं उनको डॉलर्स बनेंगे। अब जिनका मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज किसका नहीं होगा, जिसके लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन से कम व्यूज रहेंगे,
मतलब थोड़े बहुत व्यूज आ रहे होंगे, उनका मोनेटाइज नहीं होगा। इनका सीधा सा मतलब है कि क्या शॉर्ट फंड उनको मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर 2023 में शॉर्ट फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या फिर अगर मिलेगा तो क्या सर कम व्यूज पर ज्यादा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, YouTube ने अपने मीटिंग में ये बोला है, अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, कि हम 2023 में भी शॉर्ट फंड को कंटिन्यू रखेंगे, शॉर्ट फंड बंद नहीं होगा, और हम शॉर्ट फंड के जो अमाउंट है उसे और बढ़ाने वाले हैं। यानी कि अब आपको कम व्यूज पर भी शॉर्ट फंड मिलेगा, जैसे पहले था कि भैया 20 मिलियन व्यूज आ गए हैं अभी मुझे शॉर्ट फंड ही नहीं मिला, 10 मिलियन आ गए हैं शॉर्ट फंड ही नहीं मिला, अब आपको कम व्यूज पर भी अच्छा खासा शॉर्ट फंड देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा व्यूज वालों के लिए मोनेटाइजेशन का सिस्टम है, वहां पैसा बनेगा। और अगर आपके कम व्यूज शॉर्ट से आते हैं तो आपको 2023 में पैसा अच्छा खासा और कम व्यूज पर भी शॉर्ट फंड देखने को मिलेगा। तो बस मन लगाकर काम करिए, पहले शॉर्ट फंड लीजिए, फिर चैनल चल जाएगा, तो इसके बाद आप मोनेटाइज करा के शॉर्ट फंड जो आपका शॉर्ट से व्यूज आएगा उसका आप आराम से डॉलर लीजिए। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा और आप मोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि शॉर्ट से रिलेटेड है और अर्निंग से रिलेटेड है, तो मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फंजू गाइज ने, इन्होंने पूछा है भैया क्या शॉर्ट्स रिएक्शन चैनल मोनेटाइज होगा फरवरी में? बाय द वे लव नॉलेजेबल वीडियो, कीप हेल्पिंग अस। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए बनाता हूं, आप लोगों को हेल्प मिल रही है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो जो आपने पूछा है कि रिएक्शन चैनल्स मोनेटाइज होंगे, तो जी हां, अगर आप रिएक्शन चैनल्स में अपना रिएक्शन दे रहे हैं, फेस के साथ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो 100% मोनेटाइज होंगे, क्योंकि रिएक्शन चैनल लॉन्ग में भी बहुत सारे मोनेटाइज हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो शॉर्ट्स में भी मोनेटाइज होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जिसका कॉन्टेंट आप ले रहे हैं वो स्ट्राइक वगैरह ना दे, ये थोड़ा इशू अपना समझिएगा। लेकिन अगर आप अपने फेस दिखाकर रिएक्शन दे रहे हैं तो मोनेटाइज होगा, बिंदास होकर काम करिए। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक माजी ने, इन्होंने पूछा है सर जी एनिमेशन वीडियो के लिए कैटेगरी क्या रखे हैं? तो भाई अगर आप एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई कार्टून वीडियो होगा वो होगा, तो इंटरटेनमेंट टाइप का वो वीडियो होगा, जो भी एनिमेशन वीडियो होगा, तो आप इंटरटेनमेंट कैटेगरी रख सकते हैं। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूर्या ने, इन्होंने पूछा है मेरा सवाल यह है कि अगर मैं चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो कोई मेरे वीडियो अपलोड करता है जिसका चैनल मोनेटाइज हो, तो मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई होगा, तो क्या मेरा कंटेंट रियूज्ड में तो नहीं आएगा? बहुत ही मतलब अलग क्वेश्चन है। इनका सीधा सा मतलब अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर हम जो वीडियो डाल रहे हैं और वही वीडियो कोई ऐसा चैनल डाल रहा है जिसका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो क्या मेरा मोनेटाइजेशन के टाइम रियूज कंटेंट आएगा? तो जी नहीं भाई, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आपने अगर कंटेंट अपने वीडियो पर अपने चैनल पर पहले अपलोड किया है तो वो कंटेंट आपका रहता है, क्योंकि उस कंटेंट पर आपकी आईडी को एक असाइन कर दिया जाता है, आईडी नंबर डाल दिया जाता है, जो कि आपको नहीं दिखता है लेकिन वो हिडन फॉर्म में होता है। तो वो वीडियो कोई भी और भी डालेगा तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो भैया वो कंटेंट आपका रहेगा, भले ही उसको कितने लोगों ने डाल रखा हो, क्योंकि वो आपने पहले डाला है। और कोई डालेगा उसे प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्टो बाई जीत ने, इन्होंने पूछा है वो क्या जो लोग अदर शॉर्ट्स क्रिएटर के वीडियो उठा के वॉइस ओवर करके अपलोड करते हैं उनका चैनल मोनेटाइज करने के टाइम रियूज कंटेंट तो नहीं आएगा? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू सर। तो लव यू टू ब्रदर। मैं आपको बता दूं, जो दूसरे के शॉर्ट्स वीडियो में अपना वॉइस ओवर करके डालते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो दूसरे का शॉर्ट्स वीडियो ले रहे हैं वो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। अब अगर मतलब फॉरेन कंट्री के चैनल्स हैं उनका लेकर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मोनेटाइज भी होगा। लेकिन वही अगर आप इंडियन चैनल्स के लेते हैं, जैसे किसी ने बना दिया कोई फैक्ट का चैनल, सॉरी किसी ने फैक्ट का वीडियो बना दिया, स्टोरी का वीडियो बना दिया, आपने वही वीडियो लिया बस सिंपली से 2 मिनट में वॉइस ओवर करके अपलोड मार दिया, तो आप तो अपलोड कर देंगे, यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं लेगा। लेकिन जिसका आपने वीडियो यूज किया है वो आपको स्ट्राइक दे देगा और छोड़ेगा नहीं, एक बार दो बार चार बार छह बार, इसके बाद वो दे ही देगा। जब देखेगा कि मेरा वीडियो मैंने डाला, मेरे वीडियो पर 10,000 व्यूज आए, उसने डाल दिया यही सेम वीडियो उठाकर वॉइस ओवर करके, उसके 1,00,000 आ चुके हैं, तो वो दे देगा। फॉरेन कंट्री के अगर आप शॉर्ट्स वीडियो लेकर वॉइस ओवर करते हैं तब कोई इशू नहीं होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हो तो जैसे मैंने आपको चैनल बताया कि वहां से लेकर आप वॉइस ओवर करिए या फिर खुद का बनाकर करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोशन कुमार ने, इन्होंने पहले बोला है नमस्ते सर, तो भैया नमस्ते आपको भी। इन्होंने बोला है सर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, फुल प्रोसेस बताइए, लव यू सर। तो लव यू टू ब्रदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो दूं, जहां पर शॉर्ट्स चैनल अगर आप बनाते हैं स्टार्टिंग में ही
चाहे आपके 2-4 हजार व्यूज आएंगे तब से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके। अब एफिलिएट मार्केटिंग जिसे नहीं होता मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई शॉर्ट्स का वीडियो किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनाया, आराम से 1000-2000 व्यूज तो आ ही जाते हैं अगर आपने सही वीडियो बनाया है। तो 1000-2000 व्यूज आए, 1000-2000 लोगों ने देखा, उसमें से अगर मान के चलिए 10 लोगों ने आपने कोई एफिलिएट लिंक दिया उस पर खरीद लिया लोगों ने, 1000 का चीज है उस पर आपको 50 रुपए कमीशन मिलता है, तो 500 रुपए उस वीडियो से आप कमा लेंगे। एफिलिएट लिंक का मतलब जैसे अमेजॉन से आप जुड़ जाएंगे एफिलिएट से, तो आप जो भी प्रोडक्ट का लिंक देंगे जो खरीदेगा उसमें आपका थोड़ा बहुत कमीशन बनता है। कमीशन का मतलब है जितने का मिलता है उतने का ही उनको मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको थोड़ा सा जैसे 1%, 2%, 3% आपको दे दिया जाता है। तो उससे आप स्टार्टिंग से ही अर्निंग करने लगेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर मैं चैनल बनाते ही अर्निंग करने लगूं, वो वाला एफिलिएट लिंक वाला जो एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम है वो मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट आया तो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्टो जेवेल ने, इन्होंने पूछा है, इन्होंने पहले बोला है प्रणाम सर, तो भैया प्रणाम आपको भी। इन्होंने बोला सर ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? तो भाई अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो आप कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर आपके जो हुए हैं वो उस वीडियो से हुए हैं जो आप पहले डाला करते थे। अब आप अगर आप वीडियो चेंज कर देंगे तो वो जो आपके पहले सब्सक्राइबर हैं वो उस टाइप का वीडियो नहीं देखेंगे, और जब नहीं देखेंगे तो आपका वीडियो स्टार्ट से ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो आपके सब्सक्राइबर के पास भेजा जाता है। जब वही नहीं देखेंगे तो यूट्यूब आगे वो वीडियो नहीं भेजेगा, तो आप अगर कैटेगरी चेंज करेंगे तो आपका वीडियो चलेगा ही नहीं, एकदम डेड हो जाएगा। तो आपको कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी पर काम करना है, तो आप नया नया चैनल बनाकर काम करिए, लेकिन सेम चैनल पर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। यही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अगर मैं सारे पिक करता तो काफी लेंदी वीडियो हो जाता और बहुत लंबा वीडियो आपको बोर करता है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ही नॉलेजबल मिला, नॉलेज भी मिला होगा इस वीडियो से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट सेशन कैसा लगा है, संडे क्यों ने कमेंट सेशन कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा ऐसे यूनिक और ढांसू कॉन्टेंट लेकर आता ही रहता हूं। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।